हेलो स्टूडेंट, स्टूडेंट दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह आज बताऊंगी आपको डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा 20 अगस्त को, मतलब सद्भावना दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SO2 का दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी नवीनतम टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर होगा विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला CICET कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निरंजन सिंह तस्नीम का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे एक लेखक थे जिसका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने सेना प्रमुख के कार्यालय में 3 साल का विस्तार किया? इसका आंसर होगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल सैवेंद्र सिल्वा को किस देश की सेना का कमांडर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आइडिया वोडाफोन का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा रविंदर तककर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मधु देवड़ा को किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा पेटीएम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2019 की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर होगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने निकोटीन को क्लास A पॉइजन के रूप में वर्गीकृत किया है? इसका आंसर होगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मो सरकार पहल की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? इसका आंसर होगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा 19 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, 15वां, केंद्र सरकार ने गन्ने का FRP में कितने रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है? इसका आंसर होगा 10 रुपये। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेड्स में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है? इसका आंसर होगा 620 करोड़ रुपये। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया? इसका आंसर होगा कोरमो जॉब्स ऐप। अगला क्वेश्चन है, भारत ने रक्षा और भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिए किस देश को आमंत्रित किया? इसका आंसर होगा UAE। अगला क्वेश्चन है, 20 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? इसका आंसर होगा विश्व मच्छर दिवस। 20 अगस्त को पूरे विश्व में विश्व मच्छर दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, याहिम बाउकर किता ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर होगा माली। माली नामक देश से इस्तीफा दे दिया है राष्ट्रपति के पद से। अगला क्वेश्चन है, BCCI ने IPL 2020 की टाइटल रिस्पॉन्सरशिप किसे दे दी है? इसका आंसर होगा वीवो, पेप्सी व पतंजलि को। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे साफ शहर कौन सा है? इसका आंसर होगा इंदौर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सबसे तेज होने वाली विद्युत वाहन कंपनी है? इसका आंसर होगा टेस्ला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर होगा IIT खड़गपुर। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के साथ किस राज्य के पुलिस ने समझौता कर लिया? इसका आंसर होगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, संसद के स्पीकरों का कौन सा विश्व सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया है? इसका आंसर होगा 5वां। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किए हैं? इसका आंसर होगा भारतीय डाक सेवा ने। अगला क्वेश्चन है, लुइस एबिनडर किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका आंसर होगा डोमिनिकन रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर होगा थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने।
अगला क्वेश्चन है, भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा भूटान, भूटान देश के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, ई किसान धन ऐप किसने लॉन्च किया था? आंसर होगा इसका HDFC बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया था? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। धन्यवाद।